हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पापड़ की क्विक सब्जी। ये सब्जी सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, तो उसके लिए हमें लगेंगे 2 पापड़ और हमारे कुछ घर के मसाले। हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, इसको गरम करते हैं। इसमें हम 3 चम्मच घी डालेंगे और ये जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें हम चुटकी हींग, फ्राई जब थोड़ी तड़तड़ हो जाएगी तो उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और जीरे के होने के बाद थोड़ा सा मेथी दाना, 2 लौंग और हमारी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। बस अब हम इसे चला लेंगे अच्छे से और ये मसाले जले नहीं, इसको चलाकर इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ये पानी को हमें अच्छा उकाला आने देना है, बॉईल एक अच्छा आ जाएगा, सारे मसाले इसमें हो जाएंगे। इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और पापड़ में भी नमक होता है, इसलिए थोड़ा नमक की क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। तो इसमें उकाला आएगा। मैं ये 2 पापड़ की सब्जी बना रही हूँ, कच्चे पापड़ जो हमारे होते हैं, आप कोई भी पापड़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। मेरा ये मूंग का पापड़ है, इसमें देखिए उकाला आ गया है। अब ये जो मेरे पास थोड़ा नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से एक बार हिलाकर 2 पापड़ जो मैंने रखे हैं उसके हम कुछ इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। बहुत बारीक टुकड़े भी नहीं करने हैं और ये टुकड़े हम इसमें उकाला आने के बाद इसमें डाल देंगे। और बस इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। और आप इसे जब भी खाना चाहते हैं बस तुरंत तभी आप इसे बनाएं, पहले से बनाकर ना रखें वरना पापड़ गल जाएगा। तो है ना ये क्विक रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये क्विक रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।